अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कैलोरीमेट्री की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस की थी. अब मैंने ये कहा था कैलोरीमेट्री में तीन पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलती हैं. पहला जहां पे स्टेट चेंज ना हो, दूसरा आइस वाटर सिस्टम जहां पे बेटा स्टेट चेंज हो रहा था, और आज बेटा है तीसरा एंड द फाइनल पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स विच विल डेफिनेटली इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करेगा बेटा, स्टीम. तो आइए बेटा इसमें देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन स्टीम. तो याद रखेंगे कॉमन पॉइंट पे आना है. कॉमन पॉइंट मतलब स्टेट भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, इस पॉइंट तक आना है. बट ये थोड़ा सा जो है, ये अगर आपको स्टीम वाली न्यूमेरिकल्स आती हैं, दैट मींस बाकी सब न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे. आइए डायरेक्टली बेटा मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाता हूं. 5 ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास्ड थ्रू 6 ग्राम्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ लेटेंट हीट्स ऑफ स्टीम एंड आइस आर दिस एंड दिस, ठीक है, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. ध्यान से सुनिएगा बेटा, स्टीम आप पास करें जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसके थ्रू बेटा, आइस के थ्रू. अब स्टीम जो है विच इज एट हायर टेम्परेचर विल एक्ट एज द सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी, व्हाइल एज बेटा सिंपल है जो आइस है वो बेटा उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा ताकि उसका टेम्परेचर अप हो जाए. सिंपल है. तो यहां पे मुझे बताइए बेटा सोर्स का काम कौन करेगा और बेटा जो एब्सॉर्ब है वो कौन करेगा, सिंक का कौन काम करेगा. तो सिंक का काम यहां पे आइस करेगा और बेटे यहां पे जो स्टीम है वो बेटा एज आप कह सकते हो सोर्स ऑफ हीट का काम करेगा. तो आइए देखते हैं बेटा, स्टीम है आपके पास एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, क्योंकि यहां से हीट एब्स्ट्रैक्ट हो रही है तो स्टीम का क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा. तो क्या होगा बेटे, यहां पे जो स्टीम है, स्टीम ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, 5 ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बेटे यहां पर वॉटर में. वॉटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं कन्वर्ट करूंगा बेटे वॉटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सो दैट मुझे यहां से यहां पे जो है बेटा हीट मिले. उस हीट के बाद फिर वॉटर एट 100 जो उसको मैं कूल डाउन करूंगा वॉटर एट 0, तो यहां से मुझे हीट जो है वो मिलती जाएगी. एट द सेम टाइम यहां से क्या होगा बेटा, यहां से टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, आइस वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा. तो यहां से भी आपको प्रोसीड करना है, यहां से भी आगे प्रोसीड करना है. बट हां दिमाग में रखना है जो यहां से एनर्जी मिल रही है उसको यहां से आप देखेंगे किस तरीके से वो यूटिलाइज होगी. और दूसरी बड़ी बात, जब आप यहां से हीट निकालेंगे देखेंगे कि कितनी हीट निकल रही है बेटा, साथ में इस बात का ख्याल रखें वो हीट कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है क्या आप और यहां से निकालते जा रहे हो. पहले जितनी मिलेगी एक स्टेप में पहले यहां से उसी को खत्म करके दीजिए, मतलब उसको यहां पे एब्जॉर्ब करके दिखाइए, फिर अगर और हीट की जरूरत पड़े तब बेटा और एक स्टेप ले लीजिए. जैसे मैंने पहला स्टेप लिया स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू वॉटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से मुझे कुछ हीट मिली तो फिर मैं यहां पर जाऊंगा मुझे कितनी हीट रिक्वायरमेंट है, मुझे और हीट तो नहीं चाहिए, फिर बेटा मैं अगर मुझे जरूरत पड़े यहां से मुझे और हीट की जरूरत पड़े फिर मैं जाऊंगा मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट मिलेगी. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यहां से रिक्वायरमेंट है भी या नहीं. सो इट इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट इज दिस करियर. जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, कहीं पे भी घूमने जाना है तो आप 1000-2000 डिपेंडिंग ऑन नीड जो है अपनी जेब में लेकर जो है वहां पे जाएंगे. ऐसा थोड़ी है पूरा बैंक जो है बड़ा अपनी जेब में लेकर जाएंगे कि मुझे लाल चौक तक जाना है, इट्स लाइक दैट. तो ये पूरा बैंक है यहां से. अब रिक्वायरमेंट जो है वो यहां से है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यहां से हम पैसे निकालेंगे. व्हाट इज द करेंसी हियर, दैट इज द हीट एनर्जी. तो आइए बड़ा पहले देखते हैं इस एक स्टेप में एनर्जी कितनी मिलेगी. ध्यान से देखिए स्टीम एट 100 टू वॉटर एट 100 क्या यहां पर चेंज हो रहा है बेटे, यहां पर हो रहा है जो आप कह सकते हो स्टेट चेंज हो रही है. तो Q इज इक्वल टू ML वाली फॉर्मूला चलेगी, Q इज इक्वल टू ML. अब ध्यान से देखिए बेटा यहां पे कौन सा L चलेगा, फ्यूजन या वेपराइजेशन, वेपराइजेशन बिकॉज स्टीम कन्वर्ट हो रहा है बेटे वाटर में तो यहां पे वेपराइजेशन आएगा बेटा. मास ऑफ स्टीम जरा देखिए, मास ऑफ स्टीम कितना है, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरीज पर ग्राम. वैसे यहां पर देकर भी है बेटा, ठीक है, आई थिंक सो 500 है ना, स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ फॉर स्टीम इज 540 कैलोरीज. तो यहां पे आप लिख देंगे बेटा 540 कैलोरीज. अब ध्यान से देखिएगा बेटा यहां पे इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 0, तो ये आएगा 0
और यहां पे 5 5 25 27 2700 कैलोरीज ऑफ हीट यहां पे बेटा जनरेट हो रही है। क्लियर है? अब इतनी हीट जो है 2700, अब यहां पे मैं देखूंगा कितनी हीट मुझे लगेगी, ठीक है, क्या वो कम है? अगर कम पड़ेगी तो एक और स्टेप करेंगे, वाटर एट 100 टू वाटर एट 0, लेकिन अभी मुझे लगता है वो हीट जो है बहुत ज्यादा है। तो आइए बेटा यहां चलते हैं, आइस। आइस सबसे पहले किस टेम्परेचर पे है? आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे बेटे। तो अगर आपके पास आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपल सी बात है बेटा, यहां पे डायरेक्टली फ्यूजन होगा, मतलब फ्यूज हो जाएगा, मेल्टिंग होगी बेटा, ठीक है। अगर ये आइस एट -25 -10 होता, पहले उसको 0 पे लाना था, बट ये डायरेक्टली 0 बेटे, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा कन्वर्ट इन टू वॉटर, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे डायरेक्टली स्टेट कन्वर्जन हो रहा है बेटे, तो जो लगेगी हीट ये प्रोसेस करने के लिए, दैट विल बी क्यू इज इक्वल टू एम एल, है ना बेटे। मास ऑफ आइस कितना है जरा देखिए बेटा, मास ऑफ आइस कितना है, 6 ग्राम ऑफ आइस, तो यहां पे यूज करेंगे बेटा मास ऑफ आइस, दैट्स इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पे यूज होगा क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है बेटे, यहां पे मेल्ट डाउन हो रहा है, तो फ्यूजन है, इट इज इक्वल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट्स इक्वल टू 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है ना बेटे। 6 8 48 480 कैलोरीज यूज हो रही है। अब देखिए बेटा इन दो को आपस में कंपेयर करिए, आपके पास अवेलेबल इतनी हीट है और जबकि यूज हो रही है इस कन्वर्जन में सिर्फ 480, तो आपको अभी यहां पे और हीट निकालने की जरूरत नहीं है, बैंक से और पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका बेटा रिक्वायरमेंट है वो अभी बहुत कम है, अभी तो सिर्फ 480 कैलोरीज जो है आपने इन्वेस्ट की है। अभी देखिए और कितनी हीट आपके पास अवेलेबल है। तो अब हम कहेंगे फिर यहां पे तो और एक जो है प्रोसेस होगी, डेफिनेटली होगी बेटा। अब देखिए कौन सी प्रोसेस, जरा देखिए आप, अभी आप कहां पहुंचे, वाटर एट 0, अब मैं दूसरी प्रोसेस करूंगा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बेटा ये कन्वर्जन मैं देख रहा हूं। अब आप कहेंगे सर ये जरूरी है कि जितना भी पूरा वाटर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए? नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है जो आपके पास हीट अवेलेबल हो इतनी ना हो, तो कैसे पता चलेगा? पहले मैं ये कन्वर्जन यानी पूरे वाटर को 0 डिग्री से वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में मैं देखूंगा कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ हीट है, उसको फिर यहां से कंपेयर करूंगा क्या मेरे पास उतनी हीट अवेलेबल है। अगर होगी, अगर उतनी हीट अवेलेबल होगी तो बेटा इस प्रोसेस को करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वाटर एट 0 टू वाटर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है यहां पर, क्या स्टेट चेंज हो रही है? नहीं बेटा, तो हीट कितनी लगेगी, एम एस डेल्टी, ठीक है ना बेटे। अब ध्यान से देखिएगा मास ऑफ कितना है आपके पास, मास अवेलेबल इस टाइम बेटा वाटर 6 ग्राम्स बन चुके हैं ना, तो ये बेटा 6 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दैट्स 1। डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर 0 टू 100, इट्स 100, सो इट्स सिंपली 600 कैलोरीज। देखिए बेटा तो ये एक प्रोसेस करने में, वाटर को 0 डिग्री से वाटर एट 100 लाने में मुझे सिर्फ 600 कैलोरीज लगेंगे। जरा इन दो का बेटे फटाफट से ऐड करिए, यानी अभी तक मुझे कितनी एनर्जी जो है अवेलेबल होनी चाहिए यहां तक आने में, तो बेटा सिंपल ऐड करिए। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, नेट हीट अभी जो रिक्वायर्ड है दैट इज क्यू, मैं Q1 Q2 नहीं लिखूंगा, सीधे इनका एडअप करूंगा। सो नेट हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, एडअप करिए 0, ये आ जाएगा बेटे 8, ये आ जाएगा 10 1080 कैलोरीज मुझे चाहिए इतना करने में, आइस को फ्रॉम 0 डिग्री लाने में टू वाटर एट 0 और उस वाटर एट 0 को लाने में टू वाटर एट 100 मुझे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 1080 कैलोरीज। यहां पे देखिए बेटा आपके पास कितनी हीट अवेलेबल है, 2700 कैलोरीज। तो मतलब अभी भी आपके पास फ्री एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल है। सो दैट मींस ये बिल्कुल होगा, पहले तो पूरा आइस कन्वर्ट होगा इनटू वाटर, फिर वो पूरा वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है।
अब थोड़ा सा बड़े दिमाग पे जोर डालिए, देखिए यहां पे आपकी क्या स्टेट है, यहां पे आपकी स्टेट है स्टीम चेंज हो गया वाटर में, तो यहां पे आपका अभी जो राइट हैंड साइड है इट इज वाटर, और किस टेम्परेचर पे बिना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेफ्ट हैंड साइड में आइए, जब आप यहां तक आ जाते हो तो आपके पास यहां से भी है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपकी जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड से बिना वो एक ही लेवल पे है, लेवल मतलब एक ही स्टेज पे है, चाहे आप टेम्परेचर वाइज देखे या स्टेट वाइज देखे, तो आप इस टाइम आ गए बेटे वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इज दिस करियर। बट क्या आपकी पूरी एनर्जी इस टाइम यूटिलाइज हो रही है, क्या आपकी पूरी एनर्जी इस टाइम खर्च हो रही है? नहीं बेटा, अभी भी कुछ एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो बेटा अवेलेबल है सिस्टम में, बट द क्वेश्चन इज अब उस हीट का हम क्या करें? ध्यान से सुनिए बेटा, आपके पास वाटर है, वाटर है आपके पास किस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अगर आप इसको और एनर्जी दोगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। बट द क्वेश्चन इज दैट सर, क्या पूरा जितना भी वाटर है क्या वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, या वहां पे कुछ जो है वाटर रहेगा और कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो इसका हिसाब हम कैसे लगाएं? ध्यान से देखिए बेटा, एक सिंपल सा स्टेप करूंगा, देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, आई मेक इट सिंपल सिंपल एंड लॉजिकल। आपके पास अवेलेबल एनर्जी कितनी है? ध्यान से देखिए बेटा 2700 कैलोरीज, राइट, और खर्च अभी तक कितनी हुई? इट इज 1080 कैलोरीज बेटा खर्च हुई, तो जरा सब्ट्रैक्ट करिए तो आपके पास इस टाइम जो है एनर्जी जो बच रही है बेटा, आप कह सकते हो क्यू रिजर्वड, या आप यह कह सकते हो क्यू एडिशनल, मैं इसका नाम दूं क्यू एडिशनल, अभी वो हीट जो बेटा खर्च नहीं हुई, या जो आप कह सकते हो अवेलेबल, क्यू अवेलेबल मेरे पास अभी कितना है, तो इनका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये आ जाएगा 0 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, यहां से 2 1 1 आ जाएगा, सो अभी भी आपके पास 1620 कैलोरीज ऑफ हीट जो है बेटा जो आपने अभी यूटिलाइज नहीं की। और अब आप अपना सिस्टम चेक करिए, स्टार्ट किया था हमने आइस एट 0 और स्टीम एट 100, बट इस टाइम स्टेज ये है कि पूरा का पूरा दोनों साइड से वाटर है, वाटर है, पूरा कन्वर्ट हो चुका है वाटर में, और उसका टेम्परेचर है 100, और अवेलेबल अभी सिस्टम में एनर्जी है 1620, दिस एनर्जी इज टू बी यूटिलाइज्ड, अभी इसका यूटिलाइज होना बाकी है। तो आपके पास क्या है 100, आप बेटा इमेजिन करिए आपके पास एक बकेट है और उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, और आप उसको ये एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, जरा बताइए क्या इससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 होगा, सो बेटा अब इस हीट का क्या होगा? सो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस वाटर इन टू स्टीम, बट माई क्वेश्चन हियर इज दैट विल होल्ड द वाटर गेट कन्वर्ट इन टू स्टीम, और देयर विल बी सम पोर्शन ऑफ वाटर लेफ्ट? सो फॉर दैट मैं एक बेटा सिंपल आसान से आपको एक कैलकुलेशन करके देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले हम थोड़ा यहां पे बेटा ये जो है कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिए कौन सी कैलकुलेशन, अवेलेबल हीट है 1620, ट्राई टू अंडरस्टैंड 1620, तो मैं मुझे नहीं पता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है इनटू स्टीम, लेट दैट अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर जो बेटा स्टीम में कन्वर्ट होगा इस एनर्जी से, लेट सपोज एम डैश, तो यहां पे एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे बेटा, मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, लेट एम द मास ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड which will be converted into steam। तो मुझे नहीं पता है कितना अमाउंट, अभी मेरे पास वाटर जो बहुत सारा पड़ा है, ठीक है, सो मुझे नहीं पता है कितना इसमें से जो है स्टीम में आ जाएगा, लेट सपोज एम इज द मास ऑफ दैट वाटर। अब बेटा आपको पता है एम अमाउंट ऑफ मास को अगर ऑफ वाटर को अगर कन्वर्ट करना इनटू स्टीम, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी लगती है? फॉर्मूला इज क्यू इज इक्वल टू एमएल, और आपके पास हीट कितनी अवेलेबल है बेटा? दैट इज 1620 इज इक्वल मास जो बेटा स्टीम में कन्वर्ट होगा, लेट दैट बी एम, लेटेंट हीट ऑफ यहां पे आएगा वेपोराइजेशन विच इज 540, इज दिस क्लियर? तो आपको यहां पे मिल जाएगा बेटे, ध्यान से देखिएगा, एम निकालिए यहां पे, एम इज इक्वल 1620 अपॉन 440 ग्राम्स। तो याद रखिए बेटा, ये आपने निकाला इस वाटर में से कितना मास कन्वर्ट हो गया बेटे, किसमें कन्वर्ट हो गया? इनटू स्टीम।
तो आप सोचिए बेटा आपके पास फाइनल कंपोजिशन क्या है और फाइनल टेम्परेचर क्या है। तो ध्यान से देखिए आपका जो फाइनल टेम्परेचर है दैट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट नंबर वन। तो यहां पे मैं कंक्लूजन अब निकालूंगा बेटे। कंक्लूजन ये है कि मेरा जो टी फाइनल है, फाइनल और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ द क्वेश्चन इज मेरे पास इस टाइम स्टेट कौन सी प्रेजेंट है, वाटर भी होगा और स्टीम भी होगा। स्टीम कितना होगा, एम के बराबर। वाटर कितना होगा प्रेजेंट, ध्यान से देखिए बेटा आपके पास टोटल जो सब्सटेंसेस थी, एक था बेटे 6 ग्राम, एक था बेटे 4 ग्राम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, देखिए 5 ग्राम ऑफ स्टीम था, इसको कन्वर्ट कर दीजिए वाटर, तो हो गया 5 ग्राम ऑफ वाटर, और था आपके पास 6 ग्राम ऑफ आइस। 6 + 5 कितना हुआ बेटे, दैट्स इक्वल टू 11। इज दिस क्लियर? सो 11 ग्राम्स आपके पास वाटर, आउट ऑफ दैट 11 ग्राम्स एम मास कन्वर्ट हो गया इंटू स्टीम। सो आपके पास से बेटा 11 ग्राम्स ऑफ वाटर, ध्यान से देखिए मैं यहां पे लिखूंगा फाइनल कंपोजिशन, 11 ग्राम्स ऑफ वाटर आपके पास था, ठीक है 11 ग्राम्स ऑफ वाटर, लेकिन इस टाइम जो वाटर बचेगा दैट विल नॉट बी 11 ग्राम्स, दैट विल बी 11 ग्राम्स माइनस एम, जो कि बेटा स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टीम कितना बना, स्टीम बना बेटे एम ग्राम्स का आपका, आपके पास स्टीम बना। सो ये एक आंसर मैंने आपका नहीं दिया बेटे, आप अगर 3 क्वेश्चन मुझसे पूछते सर बताइए इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर कितना होता, सो आंसर इज हियर। सर बताइए इक्विलिब्रियम पे बताइए वाटर कितना होगा और कितना वाटर चेंज हो गया होगा इनटू स्टीम, तो बेटे मैंने 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए। तो आप क्या करेंगे एम निकाल के मुझे बेटा इसका आंसर जो है व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। सिंपल यहां पर डिविजन कर दीजिए, सो दैट विल गिव मी डेफिनेटली द मास विच हैज गॉन कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और यहां पर आप लिख देंगे कितना स्टीम कितना वाटर एंड व्हाटएवर इट इज। इज दिस क्लियर? टेम्परेचर तो मैंने ही निकाल के दिया, तो दिस वॉज अवर न्यूमेरिकल, राइट। अब इस पैटर्न की बेटा आपको न्यूमेरिकल जो बेटा डेफिनेटली अपनी रेफरेंसेस पे मिलेंगे, ट्राई टू सॉल्व देम बाय द सेम प्रोसीजर। तो करना क्या बेटे, आपका जो सब्सटेंस होगा एट हायर टेम्परेचर वो सोर्स का काम करेगा, वहां से हीट निकालते जाइए, और यहां से जो लोअर टेम्परेचर उसको जो हीट एनर्जी देते जाइए। तो स्टेप्स आपको इन्वॉल्व है, कब स्टेट की जो चेंज होती है तो ML यूज करते हैं, टेम्परेचर में चेंज आता है तो MS डेल्टा यूज करते हैं। बट हां जो आप यहां से हीट एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं सोर्स से, वो पहले ये देखिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, तो यहां पर आप पहले एक स्टेप करेंगे और यहां से देखेंगे खर्चा कितना हो रहा है। अगर हां आपको लगता है कि नहीं बहुत कम हीट जनरेट हुई, यहां से आपका कुछ हो नहीं रहा है, तो बेटे और आपको यहां से एब्स्ट्रैक्ट करनी है, स्टेप्स विल कंटिन्यू। लेकिन हां एक ऐसी जगह पे पहुंचना है जहां पे स्टेट और टेम्परेचर, खासकर टेम्परेचर एक ही हो। जहां पे स्टेट में क्यों कह रहा हूं स्टेट नहीं, क्योंकि आपने देखा कुछ आपका अमाउंट ऑफ वाटर जो बेटा वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो स्टेट तो यहां पे एक नहीं रही। हां लेकिन जो आपके पास 2 सब्सटेंसेस थे आइस और स्टीम, आपने इन 2 को पहले एक ही जगह पे लाया, दैट वाज वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बाद में आपने देखा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपराइज भी हुआ। इज दिस क्लियर? इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को बेटा सॉल्व करना है, इस पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब चलिए बेटा इस पैटर्न की न्यूमेरिकल्स पे, ये उससे डिफरेंट है, अभी कैलोरीमेट्री से थोड़ी सी हटके हैं बेटा। हेलस्टोन्स, ठीक है बेटा, हेलस्टोन्स आप जानते हो बर्फ के वो ओले जिनको आप कहते हो बेटे, आर फॉलिंग फ्रॉम हाइट 800 मीटर्स। कह रहे बेटे जो बर्फ के ओले ये गिर रहे हैं फ्रॉम 800 मीटर हाइट, तो यहां से बर्फ का गोला गिर रहा है और कितने नीचे जो है हाइट पे 800 मीटर। अब क्या हो रहा है बेटे, such that on striking all energy gets converted to heat। बेटा कह रहा है जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं किसको, फ्लोर को, ग्राउंड को, जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं तो जितनी भी इनके पास एनर्जी है दैट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट। अब मैं आपसे पूछता हूं इनके पास कौन सी एनर्जी, बेटा पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल सी बात है हाइट पे तो इनके पास है पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू हीट। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है बेटा ध्यान से देखिएगा, ऑन स्ट्राइकिंग ऑल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट बाय 42%। लेकिन कितने परसेंट ऑफ हीट, सिर्फ 42% किसमें यूटिलाइज होता है, इज यूटिलाइज्ड इन मेल्टिंग द आइस। सिर्फ 42% ऑफ हीट आउट ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी सिर्फ 42% ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो बेटा दैट गेट्स कन्वर्टेड इन मेल्टिंग द आइस, हीट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग द आइस। तो लेट्स सपोज आपके पास सॉरी
हेल जो यहां पे है इसके पास है बेटा 100 जूल ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे गिरता है तो इसकी जो एनर्जी है सिर्फ 42% वो हीट में कन्वर्ट होती है, और वही 42% ऑफ एनर्जी जो बेटा 42% ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी दैट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग द आइस। ये क्वेश्चन समझा रहा है मैं। नाउ द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ आइस मेल्टेड, तो आपको बताना है कितना फ्रैक्शन ऑफ आइस हेल मेल्ट डाउन हुआ। Another question, इसकी मैं एक सिंपल इक्वेशन आपको यहां पे बना के देता हूं बेटे, बेस्ड ऑन जो ये क्वेश्चन है बेटा इसी को हम यहां पे एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इसके पास कौन सी एनर्जी बेटा, हेल के पास पोटेंशियल एनर्जी। अब यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, हीट में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन कितनी एनर्जी असल में यूटिलाइज हो रही है, ओनली 42%। तो बेटा मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, 42% ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग द आइस। तो बेटा जो इसने कहा था हमने उसी से एक इक्वेशन बना दी। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जहां पे आप गलती कर सकते हो वो मैं बताता हूं बेटे क्या है। यहां से जो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, सो यू विल गो फॉर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, लेट सपोज एम जो है बेटा एम के जी ऑफ हेल जो है बेटा वो नीचे गिर गए, एम के जी ऑफ हेल तो आएगा 42 डिवाइडेड बाय 100, एम के जी ऑफ हेल नीचे आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको जी से, मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज 80 और जी आपका 10 हुआ, है ना। ये मीटर्स में आप डाल रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे मीटर्स में डाल रहे हो, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में डालोगे, एम केजीज में डालोगे, इसको आप दिमाग में रखिए इज इक्वल। अब यहां से जो बेटा हीट, हीट जो आप यहां पे लिखने जा रहे हो क्योंकि यहां पे 42% किस में इन्वॉल्व हुई, मेल्टिंग में, तो बेटा एम एल वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, सो इट इज एम इनटू एल। और कितना मास मेल्ट डाउन हुआ, लेट सपोज एम डैश मेल्ट डाउन हुआ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जितना भी हेल गिरा बेटे वो टोटल में जो है कन्वर्ट हो जाए इनटू वाटर, बट यहां पे क्या है बेटे हम कह रहे हैं जितना मेल्ट डाउन हुआ, लेट सपोज एम डैश मेल्ट डाउन हुआ, गिरा एम मेल्ट हुआ एम डैश, इज दिस क्लियर, और एम डैश अपॉन एम होगा बेटे फ्रैक्शन ऑफ द मास जो बेटा मेल्ट डाउन हुआ विच इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन। बट जब आप इक्वेलिटी लगाते हो बेटे और यहां पे एल का वैल्यू डाल दोगे, एल इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आप इसका वैल्यू कितना डालोगे बेटे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, याद करिए दैट्स 80 कैलोरीज पर ग्राम, तो बेटा गड़बड़ तो हो गई क्योंकि ये हीट है यहां से बेटा पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे आप एसआई सिस्टम यूज कर रहे हो, यहां पे कैलोरीज यूज हो रहा है बेटे जो कि आपका सीजीएस सिस्टम आता है। तो आप क्या करोगे, अब जो जीनियस स्टूडेंट है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4.2 क्योंकि हमें पता है कैलोरीज को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहां पे बेटा एक और फैक्टर है जो आपको इसको करने से अवॉइड कर देगा, क्यों, क्योंकि इट इज एल इज 80 कैलोरीज पर ग्राम, इसमें प्रॉब्लम यह है ये पर ग्राम के लिए वैलिड है लेकिन हमने यहां से जो यूनिट यूज करने हैं वो बेटा केजीज है, वो केजीज में, मैंने इसीलिए कहा दिस इज अ टिपिकल, ये एक ऐसी न्यूमेरिकल बेटा इक्वेशन बन के भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशन बना के भी आप गलत आंसर लिखोगे। रीजन यहां पे जो बेटा इट इज ऑल अबाउट द यूनिट्स, यूनिट्स एंड डाइमेंशंस का यहां पे चक्कर है और कुछ नहीं। तो अगर आप ये चाहते हो बेटे कि हम यहां से डालें लेटेंट हीट, ध्यान से सुनिएगा, एक तो जूल्स में उसके लिए 4.2, अगर पर केजी में डालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करिए बेटा 1000 से, इज दिस करियर, इसको मल्टीप्लाई करिए बेटा 1000 से, तब जाकर आप लेटेंट हीट को आप 80 लिख सकते हो और अब वो आएगा जूल पर केजी, क्लियर है। अब बेटा वैल्यूज डाल देंगे, देखिए क्या आ रहा है, 42 अपॉन 100 एम टोटल मास जो गिर रहा है, जी हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज इक्वल एम डैश जो कि मेल्ट डाउन हुआ, लेटेंट हीट दैट इज 80, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4.2 इंटू 1000 दैट्स 4200 आएगा बेटे। थोड़ी सी कैंसिलेशन करिए, 80 और 80 कैंसिल हो रहा है बेटे, ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है जरा देखिए, यहां पे 0 और 0 एक कैंसिल हो रहा है, सो यहां पे और क्या होगा 42 और ये 42 भी कैंसिल होगा, बट यहां पे क्या बचेगा बेटे 0 0, इज दिस करिए। तो आप इस तरीके से आप करिए, इसमें सॉल्व सिंपल सा मैं मेथड बताता हूं, इसको 4.2 लिख दीजिए, ठीक है,
इसको 4.2 लिख दीजिए। आपको चाहिए m डैश बाय m, तो m इधर लाइए, ये बनेगा बेटे m डैश अपॉन m। सो m है टोटल मास, m है जो कि कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मास जो बेटा कन्वर्ट हो गया इनटू लिक्विड। अब यहां से क्या बच रहा है बेटे, दैट इज 4200, तो यहां पे लिख दीजिए बेटा डिवाइड में 4200। और कुछ है बेटे जो यहां से रह रहा है? नहीं। यहां पे क्या बच रहा था बेटे, 42 डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने लिख दिया उसको बेटे 4.2, ठीक है ना। अब इसकी कैंसिलेशन अगर आप करेंगे, सो 4 इसको मैं लिख सकता हूं 4200 इंटू 10 रेस्ट पावर, आप बेटा यहां पे 3 लिख सकते हो, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सॉल्व करने की यहां पे आप की मर्जी, जैसे आप सॉल्व करें वैसे सॉल्व करिए, मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, 4200 लिख दूंगा। फॉर दैट मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 to the power of 3, है ना बेटे, 10 to the power of 3 से -3 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट जब मैं ये वापस दूं तो ये वापस 4.2 बन जाए, डिवाइडेड बाय 4200, ये और ये कैंसिल हो गया, सो 10 to the power of -3 m डैश डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन। सो कितना फ्रैक्शन ऑफ मास बेटा मेल्ट डाउन हुआ है, 10 raised power minus 3। क्या इसके कोई यूनिट्स हैं? बिल्कुल भी इसका कोई यूनिट नहीं है, सो बिकॉज इट इज फ्रैक्शन, सो m डैश अपॉन m इज 10 to the power of -3। बात समझ रहे हैं बेटे, मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं बेटा आगे, अब आता है हमारा एक टॉपिक, इसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझा देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जनरली क्या होता है, इसके डाइमेंशंस चेंज होते हैं। डाइमेंशंस में क्या क्या आएगा, या तो इसकी लेंथ चेंज होगी, या अगर ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वहां पे देखेंगे उसका एरिया चेंज होगा, और अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो बेटा उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं जनरल में एक्सपेंशन कितने टाइप्स का है, बेटे 3 टाइप्स का है, एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा होता है एरिया एक्सपेंशन, और तीसरा होता है बेटे क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशंस है। आउट ऑफ दोस मेरा जो पहला यहां पे टॉपिक है दैट्स लीनियर एक्सपेंशन। व्हाट लीनियर एक्सपेंशन इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट व्हेन देयर इज चेंज इन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑन द एरिया साइड, तीसरा हुआ बेटे ऑन द वॉल्यूम साइड। तो हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं बेटे, जब चेंज आती है लेंथ में बेटा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा लीनियर एक्सपेंशन, लेट्स सपोज मेरे पास एक रॉड है बेटा, ठीक है, और इस रॉड की लेंथ है एल नॉट एट टेम्परेचर टी नॉट। मेरे पास एक रॉड है बेटा जिसकी लेंथ है एल नॉट और टेम्परेचर है टी नॉट। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया बेटे, टेम्परेचर चेंज क्या कर दिया टी फाइनल। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने ये देखा अब जो इसकी लेंथ है वो एल डैश है। ये एल डैश क्या है बेटे, पहले ये आप जानिए, एल एफ फाइनल आप लेंथ, ये टोटल लेंथ है बेटा, फाइनल लेंथ है टोटल, एल नॉट ये लेंथ है, एल फाइनल ये है बेटा। अब आप देख सकते हो कि जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया लेंथ चेंज हो गई, इसी को हम कहते हैं बेटा लीनियर एक्सपेंशन, व्हेन देयर इज एक्सपेंशन इन द लेंथ, इज दिस क्लियर। अब बेटे हमें एक फॉर्मूला चाहिए, किसकी फॉर्मूला चाहिए ध्यान से सुनिएगा, हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो रिलेट कर सके फाइनल लेंथ को विद द इनिशियल लेंथ बेटा, ये हमें चाहिए, या रादर जो बेटा रिलेट कर सके चेंज इन लेंथ को विद द टेम्परेचर। तो कैसे आपको एक रिलेशन निकालनी है वो ध्यान से देखिए बेटा, जरा मुझे ये बताइए क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस मच ऑफ लेंथ हैज इंक्रीज्ड, एल फाइनल हुआ यहां से यहां तक, एल नॉट हुआ बेटे ये, तो मैं कह सकता हूं कि एल फाइनल माइनस एल नॉट इतनी लेंथ है बेटा। यू कैन से दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ, दिस इज द चेंज इन लेंथ, तो बेटा चेंज इन लेंथ कितनी है फिर, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज द चेंज इन लेंथ। हमने ये देखा कि डिफरेंस इन लेंथ यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, डिफरेंस लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, यानी मैं जितना ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन लाता हूं उतना ज्यादा मुझे सिग्निफिकेंट चेंज मिल रहा है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ में, यानी उतनी ज्यादा चेंज आती है बेटा लेंथ में जितना कि टेम्परेचर, जिस हिसाब से मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं। सो मैं कहूंगा दैट माय इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज और इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड वाइस वर्सा, डिक्रीज इन लेंथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, आप ऐसे कह सकते हो।
दूसरी बात, इट हैज बीन ऑल्सो फाउंड दैट दिस इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ एज वेल। अब इसका क्या मतलब हो, यह एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 1 मीटर वाली एक ऑब्जेक्ट है, वायर है आपके पास 1 मीटर वाली, और दूसरी वायर है बेटा 10 मीटर वाली, पहली है 1 मीटर और दूसरी बेटा 10 मीटर, इनिशियली लेंथ किसकी ज्यादा है, 10 मीटर वायर की। अगर आप दोनों को बेटा सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, इसमें भी उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसमें भी इतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेट्स सपोज बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें जो इंक्रीमेंट इन लेंथ होगा वो नेचुरली इससे डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो हमें इसीलिए हम ये कह रहे हैं दैट द चेंज इन लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल अमाउंट, यानी अगर इनिशियली आपकी लेंथ ज्यादा है तो उसमें चेंज भी ज्यादा आएगा, और अगर आपका इनिशियली स्मॉल है उसमें बेटा चेंज भी स्मॉल ही आएगा। इट्स लाइक बैंकिंग में आप देखिए बेटा, अगर आप 1 लाख रुपए जो है वहां पे डिपॉजिट करते हो तो आपको लेट सपोज उसका 150 मिलेगा, लेट सपोज किसी ने 10 लाख वहां पे डिपॉजिट किए, क्या उसको 10.5 मिलेगा, नहीं बेटे, पर लाख 50,000 है तो उसको हर एक लाख में बेटा 0.5 यानी 50 जो है 1,000 इंक्रीमेंट मिलेंगे। अब देखिए उसका इनिशियल अमाउंट ज्यादा था, उसको मिलेगा भी ज्यादा, और आपका इनिशियली अमाउंट 1 लाख था, आपको मिलेगा भी कम, क्योंकि पर लाख आपको 50,000 मिला, उसने 10 लाख भरे पर लाख 50,000, तो 10 में देखिए 5 लाख का उसको इजाफा होगा। सो जितना इनिशियल अमाउंट ज्यादा, चेंज भी उतनी ज्यादा। सो दैट्स व्हाई हमने ये कहा बेटे दैट चेंज इन द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल। अब मैं इन दो इक्वेशंस को बेटा मर्ज करता हूं, सो बेटा इनको मैं जो है इस तरीके से लिखता हूं, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी लिख देता हूं, तो इस हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टी और इनिशियल लेंथ। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी बेटा मैं रिमूव कर दूं, आई हैव टू यूज सम कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज अल्फा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, इसको हटा दीजिए, अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज अल्फा, दैट्स नोन एज कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एल इनिशियल डेल्टी, इस तरीके से लिखेंगे बेटा। अब यहां पे अगर मैं ये इस साइड लाऊं, एल इनिशियल इस साइड लाऊं, सो आएगा एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल अल्फा डेल्टी, ऐसे आ जाएगा बेटे, एल इनिशियल कॉमन निकलेगा, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टी, दिस इज द फाइनल लेंथ। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी सबस्टेंस को जिसका जो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, जब उसमें टेम्परेचर में चेंज लाते हैं, डेल्टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर, तो जो उसकी फाइनल लेंथ होती है बेटा वो बराबर होती है टू द इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टी। ये आपके पास आ गया बेटा एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सपेंशन का ये एक्सप्रेशन आपके पास बेटा। इज दिस क्लियर? इनिशियली आपकी लेंथ है एल आई, आपकी फाइनल लेंथ है एल फाइनल, एल फाइनल इज इक्वल एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टी, ठीक है बेटे। अब ध्यान से सुनिएगा बेटे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो लीनियर एक्सपेंशन का यहां पे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, इसमें एक दो पैटर्न्स की न्यूमेरिकल बनती है बेटा। पहला पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स मैंने यहां पर रखा हुआ, आइए देखते हैं बेटा, यह पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स है। इस पूरी न्यूमेरिकल में आप यहां पे देख सकते हो एक टर्म यूज करेगा, लेंथ ऑफ द टू रॉड्स ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ टू रॉड्स ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। आपने इस पॉइंट को याद रखा कि न्यूमेरिकल में एक पॉइंट आपको मिलेगा, अगर किसी न्यूमेरिकल में यह आ जाता है दैट इफ द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द टू रॉड्स ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, क्या मतलब हुआ इसका एंड हाउ टू अप्रोच सच न्यूमेरिकल्स, पहले मैं इसको समझाता हूं। आपको यहां पे कंपोजिट रॉड सिस्टम मिल रहा है बेटे, ये जबरदस्त एक टॉपिक है, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया, आना चाहिए वैसे क्योंकि मैं इसको बहुत आसान करने वाला हूं, तो आपको मजा आएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने में, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है, सोचा कि बाद में देखेंगे पता नहीं क्या है, तो बेटा आपसे कभी हो नहीं पाएगा। ये रिसेंटली लास्ट ईयर में आप देखेंगे ये JEE की न्यूमेरिकल है जो मैंने उठा के यहां पर रख दिया, तो बेटा आप समझ सकते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत अच्छी है आने की। ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिट रॉड सिस्टम है मतलब दो रॉड्स हैं, देखिए ऊपर एक व्हाइट है, नीचे मैंने येलो से दूसरी रॉड बनाई है, इनके बीच में आप समझ सकते हैं कंपोजिट है, तो ये फिक्स्ड है एक दूसरे के ऊपर। अब क्या हो रहा है, ऊपर वाली रॉड की लेंथ एल1 है इनिशियली, और अल्फा 1 है बेटा उसका
जिसको आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नीचे वाली रॉड की इनिशियली लेंथ है एल टू, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है बेटा अल्फा टू। अब क्या हो रहा है, अब मैं टेम्परेचर में चेंज ला रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर में जब मैं चेंज लाऊंगा तो क्या होगा, डेफिनेटली ऊपर वाली रॉड भी एक्सपेंड होगी, नीचे वाली रॉड भी एक्सपेंड होगी। बट ये नेसेसरी नहीं है बड़ा, जितना कि ऊपर वाली रॉड एक्सपेंड करे उतनी नीचे वाली करे, इट्स नॉट नेसेसरी। हो तो ये भी सकता है कि ऊपर वाली रॉड अल्फा उसका अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा ही एक्सपेंड कर देगी। तो बेटा यहां पे संभल के ध्यान से सुनिएगा, हमसे हमारा जो केस बनता है हमारा यहां पे वो ये है बेटा कि व्हाट एवर बी द चेंज इन टेम्परेचर, अगर क्वेश्चन में देख करे कि टेम्परेचर में चेंज आप कुछ भी लाइए क्या हो रहा है, डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट। So he is not saying that कि यहां पे expansion नहीं होगा, नहीं बेटे, इन दोनों rods का expansion होगा, इन दोनों rods का expansion हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, कुछ भी आप temperature change करिए difference in length remains constant। बेटा इसको समझना है, ध्यान से देखिए बेटा, अब देख सकते हैं इन दो rods में एक छोटी एक बड़ी है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहां पे जो है this is the difference in length initially, let suppose difference in length initially is del L। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ध्यान से सुनेगा बेटा, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, जो व्हाइट रॉड है वो भी बढ़ेगी और जो बेटा इसके नीचे येलो वाली है बेटा, जो येलो वाली है ये भी तो डेफिनेटली बढ़ेगी, तो दोनों बढ़ेंगे बेटा, बढ़ तो दोनों रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे दोनों रॉड्स जो है बेटा आप देख सकते हैं उनकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। अब इनकी डिफरेंस अब निकाली, इन दो रॉड्स की जो डिफरेंस इन लेंथ है, लेट सपोज डेल एल डैश, अगर क्वेश्चन में ये देकर है कि टेम्परेचर आप कुछ भी इंक्रीज करिए लेंथ चेंज हो रही है, जो एल वन है अब वो एल वन डैश बन गया, जो एल टू है अब वो एल टू डैश बन गया, बट इन दो की जो डिफरेंस थी इनिशियली वो अब भी उतनी ही है, यानी अगर इनिशियली इन दो के बीच में डिफरेंस थी 2 सेंटीमीटर, अब भी इन दो के बीच में डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो हाउ टू अप्रोच द न्यूमेरिकल, प्रोसीजर क्या है बेटा उन न्यूमेरिकल्स को टैकल करने की जिनमें ये कंडीशन देख करो कि आप टेम्परेचर कुछ भी बढ़ाइए, कंपोजिट रॉड सिस्टम है, टेम्परेचर कुछ भी बढ़ाइए, डिफरेंस इन लेंथ इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो बेटा हाउ टू अप्रोच दीज न्यूमेरिकल्स, व्हेन ही सेज दैट डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट, व्हाट्स मीन्ड बाय दैट, दैट इज डेल एल विल बी इक्वल टू डेल एल डैश। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इज डेल एल विल बी ऑलवेज इक्वल टू डेल एल डैश, ये कंडीशन है। अब डेल एल बताइए किसके बराबर है, इनिशियली एल वन माइनस एल टू, वैसे यहां पे होगा एल टू माइनस एल वन, होगा कि नहीं, क्योंकि हमने एल टू को बड़ा दिखाया एल वन से, तो एल टू माइनस एल वन डेल एल एल डैश, तो यहां पे आप यहां पे आएगा एल टू डैश माइनस माइनस एल वन डैश। अच्छा आपने बीच में इक्वेलिटी क्यों डाली, क्योंकि हमसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उस उसका पैटर्न ही ऐसा होगा, उसमें मेंशन करके होगा टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाइए द डिफरेंस इन लेंथ इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट्स व्हाई बेटा बीच में इक्वालिटी आ रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखकर इसीलिए मैंने बीच में इक्वालिटी डाल दी। ये मेहनत असल में आपको क्वेश्चन के अंदर करनी है, मैं चाहता हूं हम इस पैटर्न को पहले ही सॉल्व करें, एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकालें फिर क्वेश्चन में यूज करें, अदरवाइज आप ऐसे भी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते जाएंगे 10-20 स्टेप्स लगेंगे। तो मैं चाहता हूं इस पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स में जिसमें लिखा हो कि आपके पास कंपोजिट रॉड सिस्टम है, टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया बट द डिफरेंस इन लेंथ इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, उसके ऊपर जितनी भी न्यूमेरिकल्स बनेंगी वो इस शॉर्टकट से बेटा खत्म हो जाएंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ, ध्यान से देखिए बेटा, मैं एक फॉर्मुला डिवाइस करूंगा, एल टू माइनस एल वन इज इक्वल एल टू डैश, जरा एल टू डैश बेटा अभी फाइनल लेंथ L2 डैश, इनिशियली कितना है बेटा L2, फाइनली है L2 डैश, अभी एक रिलेशन निकाल दी फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा वो वाली फॉर्मूला आप लगाइए, दैट विल बी L इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा, इसका अल्फा कितना है बेटे अल्फा 2 डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर, ये आ जाएगा बेटा L2 के बदले L2 डैश, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ। अच्छा माइनस L1 डैश, L1 डैश मतलब ये वाली फाइनल लेंथ ऑफ फर्स्ट, so that will be L1 into 1 plus alpha del t, 1 plus alpha 1 del t, ये आ जाएगा बेटे। अब थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये L2 इधर लाइए, ये यहां पे L1 इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए बेटा क्या आएगा, so it will be L2 plus L2 alpha 2 del t, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटे माइनस, ये माइनस है बेटा तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस L1 यहां पे आ जाएगा प्लस, सॉरी माइनस माइनस आ जाएगा यहां पे L1 अल्फा 1 डेल्टी,
ये इस तरीके से आ जाएगा, यहां से बेटे L2 माइनस L1। अब बेटा मुझे लगता है L2 अगर यहां लाएंगे तो L2 L2 कैंसिल होगा, L1 और L1 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा बेटे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो माइनस L1 अल्फा डेल्टी है इस साइड लाइए तो प्लस बनेगा L1 अल्फा डेल्टी और यहां से रहेगा L2 अल्फा 2 डेल्टी। और डेल्टी आपने टेम्परेचर चेंज किया, क्या वो एक रॉड के लिए चेंज किया या दोनों के लिए, क्योंकि ये कंपोजिट सिस्टम है, चेंज इन टेम्परेचर दोनों के लिए एक जैसा है, तो बेटा डेल्टी और डेल्टी कैंसिल हुआ, कंडीशन मिली L1 अल्फा 1, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। देखिए बेटा आपके साथ मैंने यहां पर एक गोल्डन फॉर्मूला शेयर की है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी सिग्निफिकेंस भी बताता हूं। क्या मिला बेटे आपके पास, क्या फॉर्मूला आ गई, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा हो दैट द डिफरेंस इन द लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, तब यह फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेटे मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने एक स्पेशल केस आपको पढ़ाया कंपोजिट रॉड सिस्टम का, न्यूमेरिकल्स इस पे आपको देखने को मिलेंगे, देखिए हजारों में मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में आपने ये देखा कि जो उनके बीच में पहली डिफरेंस इन लेंथ्स की, अपने टेम्परेचर बढ़ाया, दोनों की लेंथ्स बढ़ गई, ठीक है एक ही ज्यादा एक ही कम, बट हुआ क्या, जो डिफरेंस इन लेंथ था वो चेंज नहीं हुआ। यू कैन यूज माय फॉर्मूला L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, सो अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस दिस फॉर्मूला इज वैलिड। आइए बेटा, तो मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल तो अब आपके लिए कुछ है ही नहीं, ये तो अब आपके लिए बेसिक न्यूमेरिकल है, इससे पहले अगर दिखाता तो बिल्कुल बेटे आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। A rod of length 40 centimeter has coefficient of linear expansion alpha 1. तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, 40 centimeter length है और alpha देकर है इसके लिए alpha 1 6 into 10 raise power minus 6 per degree centigrade, ये देकर है बेटे। अब उसके बाद क्या देकर है, Another rod of length L, दूसरी rod की length है बेटा L and has coefficient of expansion, और इसका coefficient of expansion है बेटा alpha 2, 4 into 10 raised power minus 6 per degree centigrade। तो दो rod से आपके पास, अब देखिए क्या बोल रहा है, If the difference in lengths of two rods always remain constant, देखिए बेटा क्या बोल रहा है, मतलब ये असल में दो rods है, एक दूसरे के ऊपर दूसरी rod है, ऐसे दो दो rods हैं, इनका alpha different है, तो क्या करें, अब temperature बढ़ा रहे हो, बट हो ये रहा है दैट इफ द डिफरेंस इन द लेंथ्स ऑफ टू रॉड्स ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स देन द वैल्यू ऑफ एल इज, तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ एल इज, बताइए बेटा, क्या मैंने अभी नहीं पढ़ाया क्या, अगर हमारे पास दो रॉड्स होंगी उनका अल्फा डिफरेंट उनकी लेंथ्स डिफरेंट, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करने से उनके बीच में जो डिफरेंस ऑफ लेंथ्स है अगर वो चेंज नहीं होता है, वी कैन यूज द फॉर्मूला L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2. So, बेटे directly आप formula लगा सकते हैं, L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2. आपकी पहली rod जो बेटा इसकी length है बेटा 40, alpha 1 कितना है बेटे 6 into 10 raised power minus 6, 6 into 10 raised power minus 6 will be equal to L2, वो आपको निकालना है, alpha 2 4 into 10 raised power minus 6, बेटा यहां पे क्या होगा, 10 raised power minus 6, 10 raised power minus 6 cancel हो जाएगा बेटे, ठीक है ना, 4 यहां पे cancel तो यहां पे 10 आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा, तो यहां पे कितना बचा बेटे 60 बच गया, so it is 60, यहां से आ रहा है हमारा 60 is equal to L, तो बेटा दूसरी rod की जो length है वो है बेटा then it is how much 60 centimeter। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ने के बगैर, टॉपिक कहां है बेटे, जो मैंने यहां पे आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर किया, ये एक बेटा मेरा बनाया हुआ शॉर्टकट है जो ऐसी न्यूमेरिकल्स को खत्म कर देता है, ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं थी तो आपको क्या करना था, असल में इस न्यूमेरिकल में आपको ये सारे स्टेप्स पहले लिखने थे, सब स्टेप्स लिखने थे, और हो तो ये भी सकता था आपको आइडिया ही नहीं आता क्या बोल रहा है, ठीक है, लेकिन अब मैंने हाईलाइट कर दिया दैट इफ यू आर कंपोजिट सिस्टम ऑफ टू रॉड्स एंड यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाउएवर देर इज नो चेंज इन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ, डिफरेंस ऑफ लेंथ जितना पहले उतना ही डिफरेंस ऑफ लेंथ बाद में भी, तो तब एक फॉर्मूला वैलिड है बेटा, एक फॉर्मूला आपके रेस्क्यू के लिए आ जाती है, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, इस फॉर्मूला से आप इन न्यूमेरिकल्स को उड़ा के रख सकते हो।
चलिए बेटा, मुझे लगता आज जो मैंने आपको पढ़ा है थोड़ा सा ये हेवी है, ठीक है, अच्छे खासे जो है कॉन्सेप्चुअल आप ये कह सकते हो टॉपिक्स इसमें कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं आप कल के लेक्चर में, ठीक है, थैंक्स बेटा।